दोस्तों, पर्ल वाइन के जितने भी डीपी होल्डर हैं उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब आप अपना जो भी डीपी है उस डीपी से आप पीवीसी मेटा टोकन को बाई कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है स्वैप टू पीवीसी मेटा टोकन, यानी कि यहां पर आपका जो भी डीपी है, आपका जो भी फंड है, उस फंड को स्वैप करके डायरेक्टली जो है सो यहाँ से पीवीसी मेटा टोकन को जो है बाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर मेनू में जाएंगे तो मेनू में भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा। इस पीवीसी टोकन को अपने जो डीपी से कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टेप्स जो है वो कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मांगा जा रहा है कि अपडेट योर पीवीसी मेटा टोकन एड्रेस। तो उम्मीद करता हूँ कि पीवीसी मेटा टोकन का एड्रेस आपने बना लिया होगा, आपने ट्रस्ट वॉलेट या आपका जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वहाँ पर आपने पीवीसी मेटा टोकन को ऐड कर लिया होगा। ऐड कैसे किया जाता है, अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में कैसे जो है सो पीवीसी मेटा टोकन को ऐड कर सकते हैं और कैसे सीड फंडिंग में जो है सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीड फंडिंग में पार्टिसिपेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, इसका नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे भी दे दिया गया है। मतलब कि अगर आप डीपी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सीड फंडिंग में मिनिमम जो है आपको 50 बीएसडी से आपको करना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर जो है सो डीपी को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आप कर लिए होंगे। तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि आपको अब आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन सा एड्रेस पेस्ट करके यहाँ पर सेव करना है। तो इसके लिए आपको सीधा चले जाना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में आपने जो पीवीसी मेटा टोकन को ऐड किया है वो इस टाइप का यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिसीव ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप रिसीव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार कोड आ गया और यहाँ पर एड्रेस है, तो इसी एड्रेस को आपको कॉपी करके वहाँ पर जहाँ आपको मांगा जा रहा है pearlwine.com के वेबसाइट में, तो वहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करके जो सीधा आपको यहाँ पर चले जाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पीवीसी मेटा टोकन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और पेस्ट करके सबसे नीचे जाकर आपको सेव कर देना है, तो प्रोफाइल में आपका पीवीसी मेटा टोकन को जो ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको थ्री डॉट में जाकर यहाँ पर कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा टोकन है उस पर आप क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ से आपको पीवीसी मेटा टोकन को यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सेव कर देना है, तो चलिए वो भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दिया और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास पीवीसी मेटा टोकन जो है सेव हो चुका है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, योर पीवीसी मेटा टोकन एड्रेस एडिट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अपलोड योर पीवीसी मेटा टोकन क्यूआर कोड। अब आपको यहाँ पर क्यूआर कोड को जो अपलोड करना है, अब बात रही है क्यूआर कोड को कैसे अपलोड करना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ से निकल कर सीधा चले जाना है आपको ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आपका क्यूआर कोड यहाँ सामने ही दिख रहा है, यही है क्यूआर कोड, ठीक है। तो क्यूआर कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर डाउनलोड नहीं होता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको क्रॉप कर लीजिए, और क्रॉप करके सिर्फ इतना जो है जो आपका क्यूआर कोड है उसी को आपको जो है सो इमेज करके कॉपी करके फोटो बना लेना है और फोटो बना के वहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो अभी मैंने इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लिया है, आप जैसे भी जिस मीडियम से डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सिंपल सा फिर चले जाना है यहाँ पर जहाँ पर मैं गया था pearlwine की वेबसाइट में, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपको वन टाइम क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका फाइल सेव होगा वहाँ से जाकर उठा के आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर मेरा फाइल्स है, ये मेरा फाइल्स दिख रहा है या क्यूआर कोड मैंने यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरा फाइल जो है अपलोड हो गया। अब यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना। देखिए योर पीवीसी मेटा टोकन एड्रेस जो है डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर मेरे पास सारा डिटेल अपलोड हो चुका है। और ये देखिए आपका नीचे यहाँ पर क्यूआर कोड दिखेगा, जब अपलोड हो जाएगा तो ये आपका अपना क्यूआर कोड दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस भी ऐड कर लिया, क्यूआर कोड भी ऐड कर लिया, तो यहाँ पर मेरा प्रोफाइल सेक्शन का सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपका डीपी आपने होल्ड किया है, जो भी आप डीपी रखना चाहते हैं अपने वॉलेट में डीपी ज़रूर रखिएगा, जब आप कन्वर्ट कर पाएंगे स्वैप कर पाएंगे तो आप इनिशियल स्टेज में जो भी आपके पास डीपी है उस डीपी से आप टोकन को स्वैप कर पाएंगे। और दोस्तों, जहां पर बात करता हूं इसके पीवीसी मेटा टोकन का, तो प्राइस देखिए लगभग 3.5 बीएसडी तक प्राइस जाने वाला है। आगे कहां तक जाएगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका जब स्वैप का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा और सारा चीज़ प्रॉपर रूप से रन करने लगेगा
तो इसका जो पीबीसी मेटा टोकन का जो है सो 10 बीएसटी से लेकर 50 बीएसटी या 100 बीएसटी तक भी जा सकता है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लेवल पर इसमें इंटरनल में वर्क चल रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपके मन में अभी भी बहुत सारी क्वायरी होगी, जिसमें से बहुत सारे लोगों को कॉमन क्वायरी होता है कि सर ऑटो पुल का क्या होगा, जितना भी मेरा अकाउंट है क्या सारे अकाउंट में करना है। तो यहाँ पर आपको सारे अकाउंट में नहीं करना है। अगर आप सारे अकाउंट में काम कर रहे हैं तो आप सारे अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आपका जो मेन अकाउंट है उसी अकाउंट में आप यहाँ पर जो भी अपडेट किया गया है, जो भी आपको पीवीसी मेटा टोकन का एड्रेस लिंक करने के लिए दिया गया है, बार कोड को अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, आपका जो मेन वॉलेट है उसी में आप अपलोड कीजिए। आपका यहाँ पर सारा वर्क प्रोसेस अच्छा से होगा और आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जो है सो पीवीसी मेटा टोकन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब थैंक्स।